नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने 550 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है। बता दें कि पहलवानों द्वारा FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जाँच की और इसकी जाँच के बाद पुलिस ने धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पोक्सो के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा जांच करने के बाद अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पहलवानों के यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों पर ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 1000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। साथ ही दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग पहलवान के आरोप पर कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि CRPC की धारा 164 के तहत दिया गया बयान दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट करने का मुख्य सबूत है। वहीं नाबालिग के बयान पर पुलिस उसे कथित अपराध के उक्त स्थान पर ले गई और उन्हें कोई भी सुनसान जगह नहीं मिली जहां अपराध हो सकता था। आपको ये भी बता दें कि पिछले 7 जून को अनुराग ठाकुर और पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की उनके आवास पर मुलाकात हुई थी और काफ़ी लंबी बातचीत के बाद अनुराग ठाकुर ने यह आश्वासन दिया था कि 15 जून से पहले पहले आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा और जिसके बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना प्रदर्शन रोक दिया था। ऐसे में आज दिल्ली पुलिस ने इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। वहीं कोर्ट ने अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर न्याय किसे मिलता है। वहीं अब इस मामले पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया है। साक्षी मलिक ने कहा है, हमारा अगला कदम तब आएगा जब हम सब कुछ देख लेंगे, वो जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, और हम इंतजार करेंगे। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, एक दो दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। पॉक्सो की जो धारा है वो हटाई नहीं है, इससे क्या कुछ बोलेंगे आपको? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ, तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण की कोई भी नामी से पार्ट नहीं मिलेगा, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप जंतर मंतर रहेंगे या धरना होगा? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा एक दो प्रोमिसेज जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है, FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और दो तीन बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।